I start the topic Human Resource Planning. Firstly, we see the learning objectives of human resource planning. Definition of human resource planning, importance of human resource planning, objectives, process of human resource planning, factors affecting human resource planning, types, benefits, and problems of HR planning, and suggestions for making planning effective. Why HR planning? First of all, we all know the planning is the first managerial functions of management. Then all the other functions like organizing, staffing, directing, controlling. But human resource planning, the planning is the do, how to do, when to do. In hiring members to the organization, it is vital to decide on the requirements that need to be fulfilled. रिसोर्स प्लानिंग में हमने जो पर्सन कौन से फुलफिल कि करना, करना है या कोई न्यू बिजनेस सेटअप करना है या कोई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उस टाइम पे हमें कितने पर्सनस रिक्वायर होने चाहिए और कैसे हमने इस नीड को फुलफिल करना है वो पर्सन हमने कहाँ से लेके आने हैं विद इन दर्गना उनकी एडजस्टमेंट करनी है इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसाइड करेगी की कौन से इंडिविजुअल होंगे उनको रिक्रूट कैसे करना है वेरियस पोजिशन ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ द होल एंटरप्राइज एंड इट्स फ्यूचर पीरियड फॉर दस पोजिशन ये सिर्फ एक सिंगल uh, टाइम काम नहीं है ये हमारी एक तरह से फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग uh, होती है कि हमने अगर कोई भी न्यू डिपार्टमेंट uh, सेट करना है और पूरे की पूरे एंटरप्राइज के लिए कि एक पर्सन या एक इम्प्लॉय uh, या एक डिपार्टमेंट नहीं है होल ऑफ द एंटरप्राइज के लिए हमने जितने भी ऑपरेशन उसमें ऑपरेट uh, होंगे

呃，那我挺好的。 कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स uh, हैं हमारे इंटीग्रेटेड प्लान हैं उनके साथ हमने कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है उनको साथ कैसे लेके चलना है तो उसमें वो सारा हमने, में करना है. The the अब ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का साइज देखा जाता है कि उसमें कितने पर्सन है, है और कितने हमें जरूरत है कितने पर्सन सरप्लस में नहीं में तो नहीं है या अंडर यूटिलाइज्ड स्टाफ तो नहीं है या हमने कोई भी न्यू बिजनेस सेटअप करना है उसमें हमें कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी सपोज फॉर एग्जाम्पल की

तो इसके कारण हमारे कौन से रीजन है जो हमें इफेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो पर्सन अवेलेबल है उनको अगर हम नहीं रखते हैं उनको रिटेन नहीं करते हैं तो उसकी हमें क्या लॉस बेयर करना पड़ेगा अगर हमें उसको उनको रखना है तो कौन कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी या उत, इन सारी चीजों के हमें रीजन फाइंड आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजिंग एंड इफेक्टिव डाउनसाइजिंग प्लान अब हमारा डाउनसेजिंग प्लान क्या होता है कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइज को अगर हम कट कर देते हैं उसके साइज को हम कम कर देते हैं तो उसका हमारा लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट क्या पड़ेगा कि जो हमारे वर्क फोर्स है उनको बाहर निकालने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज को कम करने से उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होंगे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो देन उसके ऊपर उनके ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा या हमने और कोई पर्सन को रिक्रूट करना है उनकी जगह पे तो वो सारी लेवल्स जो है वो एप्रोप्रिएट होंगे या नहीं होंगे

प्रेजेंट जो करियर सिस्टम है या जितनी भी सीनियर पोजीशंस हैं उसमें वो सप्लाई कैसे करवानी है वो टैलेंट कैसे आए तो इस ये सारी चीजें हमने ह्यूमन रिसोर्स हो जाती है part, अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने सबसे पहले हमें फ्यूचर में जरूरत क्यों है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्लान क्या है जिसके लिए हमें मैन

सेकेंड वन इज प्रिपेयरिंग द मैन पावर इन्वेंट्री इन्वेंट्री इज द स्टॉक की हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक कितना है मैन पार का हमने ये चीज कैसे देखनी है हमने उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करके देखना है अकॉर्डिंग टू देअर एज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देअर कैपेबिलिटीज तो उन बेसिस पे हम उन चीजों को डिवाइड करेंगे आफ्टर दैट देखेंगे कि कौन से पर्सन हमारे पास कितने हैं और कौन से कितने पर्सन की हमें जरूरत है नेक्स्ट इज द मैन पावर फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग uh, में हमने कि कितने persons, हमने जो फोरकास्ट करना है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन करना है बजट में करना है वर्कलोड में करना है वर्क फोर्स में करना है एबसेंटिज्म कितनी होगी टर्न कितनी होगी ऑल द आस्पेक्ट वी सी देन वी फोरकास्ट मैन पार

प्लानिंग अब हमने जब प्रॉपर पर्संस को वो कर लिया रिक्रूट कर लिया सेलेक्ट कर लिया तो देन हमने उनको अप्रेज करना है हमने देखना है कि वो डेफिशिएंसीज तो नहीं आ रही हैं अगर पर्सन अच्छे वे से काम नहीं कर रहे हैं तो हमने क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि वो इन चीजों को कंप्लीटली चेंज कर पाएं, या जो भी हमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई चेंज करना है या इन्वयमेंट के रिलेटेड कोई चेंज करना है या पर्सन की पर्सनैलिटी को रिलेटेड कुछ चेंज करना है उसको और ट्रेनिंग देने की जरूरत है ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फर्स्ट वन इज द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पावर अब इस एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पार में हमारे पास कितना स्टॉक है कितने स्किलफुल पर्सन हैं कितने सेमी स्किल्ड हैं कितने अनस्किल्ड हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उनका एज क्या है डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है प्रमोशन के चांसेस क्या हैं वो सारी चीजें हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक में आएंगी नेक्स्ट इज द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्यूचर मैन पावर में हमारा हमें फ्यूचर में कितने पर्सन की जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग या इम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन इन फ्यूचर क्या है प्रोडक्शन कितनी होगी हमारी तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें कितने पर्सन की जरूरत है

लॉन्ग टर्म होती है लॉन्ग टर्म का हम फ्यूचर का के कि राइट right पर्सन ऑल जॉब्स एंड हमारी जो पर्टिकुलर एक जॉब बनी हुई है कि फ्यूचर का ही जितने है हमें जॉब पे चाहिए उतने हमारे पास टोटली अवेलेबल है या नहीं है और अगर रिटायरमेंट आने वाली है तो उसके बेसिस पे देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे और कौन सा पर्सन अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड अकॉर्डिंग टू द एक डेजिग्नेशन के हिसाब से यहाँ पे कौन सा पर्सन सेट बैठ सकता है नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फर्स्ट वन इज द लेबर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वी कैन रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बिकॉज हमें पता होगा कि सरप्लस कितना है और या हमारे पास शॉर्टेज कितनी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि हमारा इमबैलेंसेस ना हो सेकेंड वन इज द ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर फोर्स कि हमारे पास जो पर्सन है वो राइट पर्सन राइट जॉब पे अवेलेबल है या नहीं है कि वो स्किल्ड पर्सन एक राइट right जॉब पे ही है

करियर सक्सेशन में आता है कि जो पर्सन जो पर्सन काम कर रहे हैं एवरी वन वॉन्ट्स टू द हायर पोजिशन थ्रू द प्रमोशन कि उनको ये होगा कि हमने एक अचीवमेंट लेनी है ऑर्गेनाइजेशन में जब ये प्रॉपर वे से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है तो देन हर एक इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेक्स्ट इज द क्रिएट अवेयरनेस इन ऑर्गेनाइजेशन जब एक पर्सन या दो पर्सन इस चीज के लिए अवेयर होंगे कि प्रॉपर वे से इफेक्टिव वे से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुई है पॉलिसी

फर्स्ट वन इज द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट अब आपका जरूरी नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी रहे कि हमें इतने पर्सन की ही जरूरत है और इतने ही पर्सन आपके पास अवेलेबल हैं क्योंकि फोरकास्ट में आपका एक्यूरेट uh, होना हंड्रेड परसेंट की आप एक्यूरेट हो वो चीज हो नहीं सकती नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है कि आपका जो भी मैनेजमेंट है या जो पर्सन है उनको प्रॉपर वे से इसका पर्पज या इसकी प्लानिंग ये चीजें समझ में नहीं आती कि भी ये चीज हमारा आ, अच्छे से एग्जीक्यूट होगा ये प्रोसेस है क्या या इसको एग्जीक्यूट होगा वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है उनके लिए स्पोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट अच्छे से उनके साथ रिसोर्सेज उनको पूरे नहीं होते हैं कॉपरेशन नहीं मिलता टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं करती है तो इस वजह से इफेक्टिवे से इसको एग्जीक्यूट नहीं होता रेसिस्टेंस फ्रॉम द इम्प्लॉय अब जो इंप्लाइज हैं उनको ये होता है जो ट्रेड यूनियंस वाले होते हैं कि अगर मैन पावर प्लानिंग होगी

नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट जो है वो आपको प्रॉपर रिलायबिलिटी ऑफ डाटा प्रोवाइड नहीं करवाती कि आपके पास कितने पर्सन अवेलेबल हैं

ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी एक सेपरेट सेल है तो उनका मेन काम है एडिक्वेट फोकस uh, करना कोऑर्डिनेट करना सारे प्लानिंग वर्क के साथ ऑन द ऑल द वेरियस लेवल्स टॉप मैनेजमेंट अगर टॉप मैनेजमेंट अच्छे से सपोर्ट करे रिसोर्स प्रोवाइड करे कोऑर्डिनेट करे कॉपरेशन देन इट विल मेक सक्सेसफुल प्लानिंग इन्वालमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव अब जो ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, वो अगर इस प्रोसेस को अच्छे से समझें रिसिस्टेंस को कम करें तो इससे उनका पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाएगा और वो कॉर्डिनेट भी करेंगे विदर एफर्ट्स नेक्स्ट इज एफिशिएंट एंड द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आपके पास रिलायबल डाटा है आपको पता है कि कितने पर्सन हमारे पास अवेलेबल हैं कौन कौन सी जॉब पे हैं देन यू थिंक दैट कि भी हम इस जॉब से इस पर्सन को सेट कर सकते हैं हमें एक पर्सन और, और कम हो गया हमें जरूरत नहीं है तो दे उस बेसिस पे हम अपने पर्सन को रिक्रूट एंड सिलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट इज द बैलेंस्ड अप्रोच अगर हम क्वानिटिव क्वानिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों एस्पेक्ट्स में अन के लेके चलेंगे तो ये दोनों चीजें हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी हमें पता है कि राइट पर्सन राइट पीपल राइट जॉब तो हमें उनकी सिर्फ एक क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे हम उसकी क्वालिटी के